मध्य प्रदेश में इन दिनों आदिवासियों की प्रताड़ना से जुड़े दो मामले देखने में आ रहे हैं। एक मामला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना थाना का है तो दूसरा मामला मध्य प्रदेश के कटनी के जीआरपी थाने का है। कटनी के जीआरपी थाने में महिला जो टीआई हैं वो एक महिला और उसका जो आदिवासी बालक है, करीब 15 साल का आदिवासी बालक बताया जा रहा है, उसको बुरी तरह से प्रताड़ित करते हुए दिखाई दे रही हैं। हालांकि वो मामला करीब 7 से 9 महीने पुराना बताया जा रहा है, उस मामले में भी कार्रवाई हो रही है। इधर दूसरा मामला जो मध्य प्रदेश के खंडवा से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी इस मामले में जो आज आदिवासी संगठन की माधुरी बहन है उन्होंने जिला कलेक्टर और एसपी से मिलकर ज्ञापन दिया है और उस मामले में कार्रवाई की बात कही है। हम आपको पूरा मामला यहाँ खंडवा वाला विस्तार से बताते हैं। दरअसल खंडवा में बीते 24 अगस्त को एक आदिवासी युवक की जो लॉकअप है पंधाना थाने का, उसमें मौत हो गई थी। बताया जा रहा था कि उस युवक ने लॉकअप के अंदर सुसाइड किया है। हालांकि मामला चूंकि आदिवासी से जुड़ा था इसलिए प्रदेश भर में इसको लेकर राजनीति गरमाई और उसको लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की, जिसके बाद कल यहाँ पर खंडवा में कांग्रेस का विधायकों का एक जांच दल भी पहुँचा था। विधायक को जो जांच दल था उसमें झूमा सोलंकी भिकनगांव विधायक शामिल थी, बड़वानी विधायक शामिल थे, कांग्रेस नेता पूरलाल खरते शामिल थे, खरगोन बड़वानी के लगभग सभी बड़े ने कांग्रेस के जो नेता थे उसमें शामिल थे। उन्होंने पंधाना थाने का निरीक्षण किया, वहाँ लॉकअप का उन्होंने निरीक्षण किया। पंधाना थाने का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने किस तरह से आदिवासी की मौत लॉकअप के अंदर हुई है उसको लेकर उन्होंने अपनी एक जाँच रिपोर्ट बनाई और इसके बाद वो लोग जिला कलेक्टर से मिलने खंडवा पहुँचे। खंडवा पहुंचने के बाद जब उन्होंने मीडिया से चर्चा की तो आपको सुनाते हैं कि पहले तो कि जो भिकनगांव विधायक है झूमा सोलंकी, उन्होंने क्या कुछ कहा। मृतक धर्मेंद्र जो निवासी, मूल निवासी मेरे विधानसभा नियमित पंचायत का रहने वाला है और कुछ समय से, मतलब पिछले 2 सालों से दीवाल में रह रहे थे, उस घटना को लेकर हमारे प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी ने एक जाँच दल बनाया। सभी ने मिल के उन्होंने वहाँ से भेजा कि इसका संज्ञान में लिया और देख कर आए मुआयना करें और साथ ही परिवार के सदस्यों से भी मिले। पंधाना भी गए, वहाँ थाने पे मौके पे भी हम देख कर आए हैं और अब चूँकि ज्ञापन देना था एसपी कलेक्टर साहब के नॉलेज में भी ये बात लानी थी, कार्रवाइयाँ भी वो प्रमुख है ज़िले के वही करने वाले हैं, तो उनको नॉलेज में बात लाई और उनसे कार्रवाई के लिए भी कहा गया। और जो ज्ञापन में बात है प्रमुख रूप से उच्च स्तरीय जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा हो, शायद उन्होंने इसका गठन भी किया और शायद लागू भी कर दिया है। और दूसरा जो प्रमुख रूप से था कि परिवार बहुत गरीब है, मजदूरी करता है और हर दिन जितनी मजदूरी मिलती उससे उसका परिवार चलता है, तो परिवार को, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता दें शासन की ओर से और साथ ही उसके परिवार को एक और नौकरी मिले, ये मांग हमने रखी हो। इसके लिए ये प्रयास था जिसमें हम लोग रिपोर्ट बना के माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी को देंगे और वो पूरे जो है मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। परिवार से मिले, परिवार ने कहा, उनका जो पत्नी ने कहा, उनके लड़के मतलब उसके पिता ने भी कहा कि उनका बेटा बेगुनाह है, उन्होंने कोई ऐसा कोई क्राइम नहीं किया कि उनको 4 दिन तक लॉकअप में रखा जाए, उनके साथ मारपीट की जाए, ये बात उन्होंने कही। और जो मजिस्ट्रेट की जांच होगी उसमें सामने आएगी, उसके बाद कार्रवाइयां होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल रखेंगे, विधानसभा में जब भी विधानसभा सत्र होगा हम सभी विधायक वहां पे इसको पूरी ताकत के साथ रखेंगे। मजिस्ट्रेट जांच के ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उन्होंने खुद ने की या फिर प्रेरित किया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ना मिली, आत्महत्या का कोई प्रकरण होता तो कोई ऐसा हंसी खुशी जाके झूलता नहीं है। मानसिक रूप से प्रताड़ना यदि किसी को दी जाती है तो इतना आहत होता है कि अपने आप की जीवन लीला समाप्त कर ले। तो ये थी भिकनगांव से कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी जो बता रही थी कि किस तरह से कांग्रेस के जो विधायक दल है उन्होंने लॉकअप का निरीक्षण किया, पंधाना थाने का निरीक्षण किया और जिसके बाद ये लोग जिला कलेक्टर से मिलने खंडवा पहुंचे थे। अब आपको सुनाते हैं इसी जांच दल में शामिल बड़वानी विधायक राजेंद्र मंडलोई ने क्या कुछ कहा। देखो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है आदिवासियों पे दिन पे दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। पुरानी बहुत सारी घटनाएं हैं उनका उल्लेख करें बड़ी बात होगी, हमारे खरगोन जिले की बात करें, नीमच जिले की बात करें, नेमार घटना की बात करें, ऐसी कई घटनाएं और जो घटना घटी है इसमें भी पुलिस का क्रूरतम चेहरा सामने आया है। पुलिस ने कोई भी व्यक्ति को जब तक गिरफ्तार करते तो रोजनामचा में दर्ज होता है, उसको कोई गिरफ्तारी नहीं ली, उसको इतना प्रताड़ित करा और उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करा ही, साथ साथ में उसको उसके गांव में और ससुराल में उसको जो बेइज्जत किया है जिसके कारण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हरास हुआ है वो। और उसके बाद आप देखिए कि पुलिस का ये कहना है कि लगभग 10 बजे डेथ की तो
सुबह तक किसी को खबर कोई खबर नहीं, प्रशासन को कोई खबर नहीं, सुबह सुबह उनके जो परिजन हैं उनको कोई सूचना नहीं, उनके परिजन को बिना बुलाए डेथ बॉडी को जहाँ टंगी हुई थी वहाँ से उठा लिया। और इसमें जो कानून की प्रक्रिया है उसका कहीं से कहीं तक पालन नहीं हुआ, पूरी तरह से उल्लंघन हुआ। यदि कोई और जगह होता है और कोई बात होती तो अभी तक कहाँ से क्या हो जाती, लेकिन चूंकि आदिवासी बेचारा पीड़ित अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाता, अनपढ़ रहता है, गरीबी हालत में जीवन जीता है, तो उसके परिजनों को कुछ प्रलोभन देकर मामले को रफा दफा करने का भी प्रयास किया है, ये भी बातें सामने आई है। और ये ऐसा है कि सिर्फ हमको परिजन नहीं बता रहे, पूरे गांव के लोग, वहाँ जो स्थानीय गांव के लोग वो सब बता रहे हैं कि उसको पुलिस ने चड्डी में बनियान में पूरे गांव में घुमा रहे और हरे हरे शोटों से मारते जा रहे हैं। तो क्या इज्जत रहेगी, मतलब एक व्यक्ति की मानव की गरिमा क्या रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी कुछ भी कदम उठा सकता है, और हमको तो शंका है कि उठाया कि कोई प्रायोजित भी है, क्योंकि 10:30 बजे घटना है तो सुबह तक कहाँ से क्या करा, पुलिस ने लिपापोती पूरी कर ली होगी, उसके बाद मजिस्ट्रेट को खबर करी होगी, पुलिस ने अपना बचाव डिफेंस पहले तैयार कर लिया होगा, वो वही डिफेंस अब सबके सामने लाएंगे। वो पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति उसके पीड़ित के परिजनों से मिला, थाने पे गया, उनके उनसे चर्चा की। ऐसे राजनीतिक आरोप लगाना बड़ी आसान बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर कितना अत्याचार बढ़ते जा रहा है, उस दिशा में आप क्या कर रहे हो। आदिवासियों को कोई राहत नहीं, और कोई और व्यक्ति होता तो आज कहाँ से कहाँ हो जाता, वो आदिवासी अभी तक उसकी कोई मदद को कोई आने को तैयार नहीं। तो ये थे बड़वानी विधायक राजेंद्र मंडलोई, जो कांग्रेस के जांच दल में शामिल थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने पंधाना में पहुंचकर अपनी जांच की है, किस तरह से उन्होंने जो स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनसे चर्चा की, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने जो है युवक को मारा पीटा था, उसके साथ 4 दिन तक करीब पिटाई की गई थी, जिसके बाद उसने ये आत्महत्या जैसा कदम उठाया। हालांकि ये लोग उसकी आत्महत्या को हत्या बताते हुए पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। आपको ये भी बता दें कि जिला प्रशासन इस मामले में पहले ही कार्रवाई कर चुका है, और पंधाना TI विकास खींची सहित 1 SI और 2 हेड कांस्टेबल को थाने से सस्पेंड किया जा चुका है। अब इस मामले को लेकर एक नया मोड़ उस समय आ गया जब आदिवासी समय उसकी एक बड़ी नेता हैं, वो भी इस मामले में आज जो है जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंची हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनाते हैं। देखिए, आप सबको मालूम है कि शनिवार के रोज़ पंधाना थाने में एक भील आदिवासी धर्मेंद्र भाई को की लाश मिली। हम उनके परिवार वालों के साथ और सभी जनसंगठन, खरगोन और खंडवा के जनसंगठन और आम आदिवासी संवेदनशील नागरिक यहाँ आए हैं ये बोलने के लिए कि उस व्यक्ति की हत्या हुई है। पुलिस जो स्टोरी बता रही है कि उन्होंने जो है फांसी लगा ली थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी हत्या हुई है, उसका लाश को जब देखे थे, जब वो जिंदा भी थे, अब उनको जो है ना रिकवरी के लिए ले जा रहे थे और रिकवरी नहीं हुआ, उनके घर ले गए थे छानबीन के लिए, वहाँ पर उनकी स्थिति देखी है और उनकी लाश देखी है, उनके भयानक चोटें थी, उनका पूरा पीठ काला पड़ गया था, पैर कुचले गए थे, एक हाथ टूटा हुआ था, हाथ पर चोट के निशान थे, गर्दन के पीछे चोट का निशान था और पूरा पीठ छिला हुआ था और जांघों पर चोट के निशान थे। तो ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है। यदि आत्महत्या होती तो भी पुलिस उसके लिए जिम्मेवार होती, लेकिन ये असल में शुद्ध हत्या है। 4 दिन तक एक व्यक्ति को थाने में रख के उसको पीटते गए, उस व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा। आज तक परिवार को नहीं मालूम कि उसको किस जुर्म में उठाया गया। अभी हम SP को बार बार पूछते गए, इनकी बहन ने बार बार पूछा कि हम क्या क्यों मरा, वो किस जुर्म में आपने उठाया, हमको तो बताओ। हम उससे तो नहीं पूछ सकते, तो हम आपसे पूछ रहे हैं। SP ने जुर्म में कौन सा FIR के तहत उसको उठाया गया और किस जुर्म में उसको उठाया गया अभी तक नहीं बता रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो दोषी पुलिसकर्मी है, पंधाना पुलिस के TI सहित पूरे थाने जो उस समय उपस्थित था वो 4 दिन, उनको सब पर FIR लग के उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर आम नागरिक कुछ करे या ना करे, किसी भी छोटी छोटी बात पर लोगों को उठा के उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो इतना बड़ा जब जुर्म हुआ है, जब एक आदमी की हत्या हुई है, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। जुडिशियल इंक्वायरी का बहाना बताया जा रहा है,
जुडिशियल इंक्वायरी अपना चलता रहेगा, इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। जुडिशियल इंक्वायरी के का जो नोटिस है वो भी हमने मांगा, अब बोला जा रहा है दिया जाएगा, उसका समय सीमा भी हमें नहीं मालूम, कौन मजिस्ट्रेट है उसको करने वाले हमें नहीं मालूम, तो ये बयान कैसे देंगे? तो ये उनको जुडिशियल इंक्वायरी के लिए रुकना, उनको गिरफ्तार करना ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, उनको अभी गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ भी छोटे मोटे मामले में आम नागरिक को पुलिस बिना किसी सबूत जब गिरफ्तार करती है तो जिन लोगों के पास से लाश बरामद हुई है उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? ये हम सब आदिवासी संगठनों के का मांग है। मैं जागृत आदिवासी दलित संगठन से हूँ, यहाँ पर भील समाज के हैं, जैस के हैं और आदिवासी एकता परिषद के भी है और भारत आदिवासी पार्टी के भी प्रतिनिधि हैं। तो हम सब यही कह रहे हैं कि उनको थोड़ा समय दिया जाएगा, और समय नहीं दिया जाएगा, समय के बाद जो है अगर वो नहीं करते हैं कार्रवाई तो फिर पूरा आदिवासी समाज खड़ा होगा, पूरा निमाड़ के आदिवासी सामने आएंगे, पूरे निमाड़ के आदिवासी आएंगे। ये पहला मामला नहीं रहा है, आप लोगों को मालूम होगा कि इसी खंडवा जिले के मांदाता थाने में कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले किशन निहाल नाम के एक आदिवासी को मारा गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी के एक हफ्ते पहले खरगोन के बिष्टान थाने में बिशन भील को मारा गया, उस पर भी आंदोलन करने के बाद FIR दर्ज हुआ, लेकिन उसके FIR में मतलब 4 साल से FIR पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम जुडिशियल इंक्वायरी के बहाने से हमें टालने के जो प्रयास अगर प्रशासन और शासन ये सोच रहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी के बहाने से हमें टाला जा सकेगा, हम ये चेतावनी देना चाह रहे हैं कि इस मामले को अंतिम अंजाम तक लेने के लिए, पूरे दोषियों को सजा दिलवाने के लिए। तो ये थी जागृत आदिवासी दलित संगठन की नेता माधुरी बेन, जो पुलिस पर आरोप लगा रही थी कि पुलिस ने ये हत्या का काम यहाँ पर किया है और एक आदिवासी समाज के युवक की हत्या हुई है, जिसको लेकर समाज में बड़ा आक्रोश है और उन्होंने साथ ही जो पुलिस कर्मचारी है उन पर FIR करने के मामले, जो अभी न्यायिक जांच इस मामले में चल रही है उस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उनका इस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ज़िले में इससे जुड़े आदिवासी पर अत्याचार से जुड़े पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जो राजनीति गरमा रही है इसको लेकर प्रदेश में अब किस तरह से बवाल आता है। खंडवा से इस्माइल खान, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।